आपको। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के हनुमान चालीसा पढ़ने पर हो रहे विवाद पर कहा कि अपशब्द बोलने वालों को नुकसान होगा। वो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वो जनगण मन भी पढ़ सकते हैं, और आप सोचिए कि हम लोग जो सालों से मतलब कि यहाँ पे गाँव में रह रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि हम कौन सी जाति से आते हैं, क्या आते हैं, ऐसे ऐसे पाखंडी लोग जो रात को शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हैं, वो मेरे गांव में घूम घूम के कह रहे हैं कि हम असली हिंदू हैं और सौरभ भारद्वाज जो है वो नकली हिंदू है।